आप देख रहे हैं दखल न्यूज। चित्रकूट में प्रधानमंत्री मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की रखी आधारशिला, कहा अब पाई पाई उसके हकदार तक पहुंच रही है। भूपेश बघेल की करीबियों के यहां आयकर छापे पर सियासत, कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। एमपी के खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल और कंप्यूटर बाबा में विवाद, कंप्यूटर बाबा के ज्ञान पर उठाए सवाल। बीजेपी का मुख्यमंत्री कमलनाथ पर कटाक्ष, सरकार नहीं चला पा रहे हैं तो किसी और कांग्रेसी को दे मौका। और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को दखल प्राइड अवार्ड का स्मृति चिन्ह, दखल टीम ने किया सम्मान। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे विकास का एक्सप्रेसवे साबित होगा और रोजगार के हजारों अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपने दशकों में वो दिन भी देखा है जब बुंदेलखंड के नाम पर, किसानों के नाम पर हजारों करोड़ों के पैकेज घोषित होते थे, लेकिन किसान की जेब तक कुछ नहीं पहुंचता था। अब उन दिनों को हम पीछे छोड़ चुके हैं। दिल्ली से निकलने वाली पाई पाई उसके हकदार तक पहुँच रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि द्वारा एक वर्ष में देश के करीब 8.5 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे 50,000 करोड़ से अधिक की राशि जमा हो चुकी है। चित्रकूट सहित पूरे यूपी के 2 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के खातों में भी करीब 12,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि 12,000 करोड़ रुपए सिर्फ एक वर्ष में, वो भी सीधे बैंक खाते में, बिना बिचौलियों के, बिना किसी भेदभाव के। पीएम मोदी ने कहा कि किसान अब तक उत्पादक तो था ही, अब वो एफपीओ के माध्यम से व्यापार भी करेगा। अब किसान फसल भी बोएगा और कुशल व्यापारी की तरह मोल भाव करके अपनी उपज का सही दाम भी प्राप्त करेगा। मुझे याद है कि एक वर्ष पहले जब इस योजना को लॉन्च किया गया था, को किस तरह की आशंकाएं पैदा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इतने कम समय में देश के करीब 8.5 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड को विकास के एक्सप्रेस वे पर ले जाने वाला बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे इस क्षेत्र के जनजीवन को बदलने वाला सिद्ध होगा। करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये एक्सप्रेस वे यहाँ रोजगार के कई अवसर लाएगा। इस धरती ने भारतीयों में मर्यादा के नए संस्कार गढ़े हैं। प्रभु श्री राम आदिवासियों से वन्य प्रदेश में रहने वालों से कैसे प्रभावित हुए थे, इसकी कथाएं अनंत है। भारत रत्न नानाजी देशमुख ने यहीं से भारत को स्वावलंबन के रास्ते पर ले जाने का व्यापक प्रयास शुरू किया था। 2 दिन पहले ही नानाजी को उनकी पुण्यतिथि पर देश ने याद किया है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि चित्रकूट के घाट पर हुई संतन की भीड़ आज आपको देखकर आपके इस सेवक को कुछ कुछ ऐसी ही अनुभूति हो रही है। साथियों, यूपी के किसानों को, व्यापारियों, उद्यमियों का तेज विकास यहाँ की कनेक्टिविटी पर भी निर्भर है। इसके लिए योगी जी और उनकी सरकार एक प्रकार से एक्सप्रेस गति से काम कर रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, या फिर प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेस वे, ये यूपी में कनेक्टिविटी तो बढ़ाएंगे ही, रोजगार के भी अनेक अवसर तैयार करने वाले। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी लोगों के यहां आयकर विभाग के छापे के बाद सियासत गर्मा गई है और कांग्रेस ने इसे बदले की राजनीति बताते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबियों के यहां पिछले 3 दिन से आयकर छापे की कार्यवाही चल रही है। इन छापों ने सूबे की सियासत में
हंगामा खड़ा कर दिया है। इन छापों के बीच कैबिनेट की बैठक स्थगित कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अचानक दिल्ली चले गए। रायपुर में आयकर के लगातार छापे का कांग्रेस ने विरोध शुरू कर दिया है। गांधी मैदान में बड़ी संख्या में कांग्रेसी पहुंचे और मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इधर आयकर के स्थानीय कार्यालय रायपुर में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आयकर छापे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के महापौर विधायक जिला पंचायत के अध्यक्ष धरने में मौजूद रहे। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री गिरीश देवंगन का कहना है कि मोदी सरकार विधानसभा नगरीय निकाय पंचायती राज चुनाव हार की बौखलाहट की वजह से आयकर को छत्तीसगढ़ में भेजकर कांग्रेसी को डराने और बदनाम करने की कार्य कर रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने फैसला किया है कि जो कल हम लोगों ने सरकार के ओर से महामहिम राज्यपाल के पास जाके अपनी बात रखी कि अभी तक के कल 36 घंटा था, लेकिन जो आईटी ने छापा डाला उसकी जानकारी भी नहीं दी गई और ये आर्म फोर्स लेके घूम रहे हैं पूरे प्रदेश भर में, विभिन्न शहरों में, जगदलपुर से लेके रायगढ़ तक सभी शहरों में एक दहशत का वातावरण बना के रखे हैं। तो ये छत्तीसगढ़ शांतिप्रिय प्रदेश है और इसमें इस प्रकार से आतंक भय का कोई जगह नहीं है और उस प्रकार से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। हमने आपत्ति दर्ज की थी और आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा इसका आईटी कार्यालय के सामने प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने राज्यपाल से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। रायपुर में आयकर अफसरों को गंतव्य तक ले जाने वाले किराए की वाहनों पर चालानी कार्रवाई करने को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। इस बीच आयकर अफसरों की जांच तीसरे दिन भी जारी रही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में आयकर के छापों से खिन्न नजर आए और इसका विरोध किया। बघेल ने इस मसले पर अपने मंत्रिमंडल के साथ मंत्रणा कर राज्यपाल अनुसुईया उइके को ज्ञापन भी सौंपा। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री शैलेश नितिन त्रिवेदी ने बयान जारी करके कहा कि मोदी सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के लिए द्वेषपूर्ण डर भय आतंक और दहशत फैलाने की कार्रवाई की जा रही है। इसका कांग्रेस विरोध करती है। कांग्रेस नेताओं और मंत्रियों ने इसे जबरदस्ती की कार्रवाई कहा है। पूरी तरह से राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है क्योंकि हमारे 3/4 बहुमत है और लगातार हमें सफलता मिल रही है और इस कारण से ये द्वेषवश की गई कार्रवाई है और पूरे चाहे वो बिलासपुर हो, रायपुर हो, दुर्ग हो, जगदलपुर हो, सब जगह स्थिति यह है कि बाजार बंद हो रहे हैं, इतना डर। मौजूद भी केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को अस्थिर करने की शुरुआत करने की कोशिश की जा रही है। हमने महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देकर आग्रह किया और महामहिम ने सारी बातों को ध्यान से सुना। उन्होंने कहा कि तत्काल इस संबंध में प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति जी से वो चर्चा करेंगे। इधर भाजपा प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने ने प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र पर लगाए बदले की कार्रवाई के आरोप पर आपत्ति की है। उपासने ने कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष इस छापे का स्वागत करते हुए कथित मलाईदार पोस्ट पर रहे अफसरों पर कार्रवाई पर खुशी जता रहे हैं। आज ऐसा क्या हुआ कि सारी खुशी काफूर हो गई और पूरी सरकार को राजभवन जाना पड़ा। मुख्यमंत्री का डर आधारहीन है। कहीं कभी भी भाजपा सरकार कांग्रेस की तरह प्रतिरोध की कार्रवाई नहीं करती। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय आयकर की टीम ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री सचिवालय की उप सचिव सौम्या चौरसिया के घर पर छापा मारा। सौम्या के दुर्ग स्थित घर पर आयकर की टीम सुबह ही धमक गई थी। आयकर की टीम ने ठेकेदार पप्पू बंसल के ठिकाने पर भी कार्रवाई की। आबकारी विभाग के OSD AP त्रिपाठी के ठिकाने पर छापे के दौरान मिली जानकारी के आधार पर सौम्या के घर पर टीम पहुंची। हाई प्रोफाइल कार्रवाई में आयकर की टीम तीसरे दिन भी सभी 19 ठिकानों पर जांच करती रही। मध्य प्रदेश के खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल और नदी न्यास के अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा में जमकर ठनी हुई है। खनिज मंत्री जायसवाल ने कंप्यूटर बाबा के ज्ञान पर सवाल खड़े किए हैं और कहा कंप्यूटर बाबा किसी के भी इशारे पर खदानों पर पहुंच जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि वे स्वीकृत खदान पर हैं। नदी न्यास अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा और मध्य प्रदेश के खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल के बीच जमकर बयानबाजी चल रही है। अब खनिज मंत्री ने कंप्यूटर बाबा के ज्ञान पर सवाल खड़े करते हुए कहा कंप्यूटर बाबा कोई वैज्ञानिक तो नहीं है, न ही उन्हें तकनीकी ज्ञान है। ऐसा लगता है जैसे वह किसी के इशारे पर खदानों पर पहुंच जाते हैं,
सभी खदानें अवैध नहीं हैं, वह स्वीकृत खदान पर जाकर भी कार्रवाई की बात करते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता। देखिए कंप्यूटर बाबा कोई वैज्ञानिक नहीं है ना कोई तकनीकी ज्ञान उनको, ठीक है। अब वो जो भी काम कर रहे हैं वो सरकारी खजानों में चले जाते हैं, उनको ये नहीं मानू कि सरकारी खजाने हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि कुछ लोग उनको भेजते हैं जानबूझ के, और उसी तरह से जहाँ भी जाते हैं वो, ऐसा नहीं कि हर खजान में ट्रैक्टर खड़ा है मशीन खड़ी बनना अवैध ही है, वो पंचायत के खजान स्वीकृत खजान है, उनको मालूम ही नहीं रहता कि पंचायत के स्वीकृत खजान है। अब वहाँ दबाव डाल के कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं, उसको प्रेसिडेंट भाई बना लेते हैं कि मैं आया तो कार्रवाई करनी चाहिए, इस तरह से कार्रवाई। लेकिन जहाँ जा रहे हैं हर खजान अवैध है ऐसा भी नहीं है। दखल न्यूज ने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का सम्मान किया और उन्हें दखल प्राइड अवार्ड का स्मृति चिन्ह प्रदान किया। इस मौके पर टीम दखल के कई साथी उपस्थित रहे। सरगुजा हाउस में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर दखल परिवार के अनुराग उपाध्याय, शेफाली गुप्ता और राजेंद्र नायक ने टीएस सिंहदेव को शॉल उड़ाकर और दखल प्राइड अवार्ड का स्मृति चिन्ह प्रदान किया। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ राजनेता और मंत्री टीएस सिंहदेव दखल प्राइड अवार्ड समारोह के विशेष अतिथि थे, लेकिन अपनी माताजी और सरगुजा की राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव के निधन के कारण वे समारोह में भाग नहीं ले सके थे। इस अवसर पर सिंहदेव ने कहा कि दखल न्यूज उनके परिवार का हिस्सा है और दखल के भविष्य में होने वाले समारोह में वे मौजूद रहेंगे। समय है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व मंत्री बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने मुख्यमंत्री कमलनाथ से कहा कि मुंह चलाने और सरकार चलाने में अंतर होता है, अगर कमलनाथ सरकार नहीं चला पा रहे हैं तो किसी और कांग्रेस नेता को मौका दें। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार से आम लोग खुश नहीं है, उनके रोज रोज के तबादलों और माफियाओं के नाम पर आम लोगों को परेशान किए जाने से लोग सरकार से खासे खफा है। ऐसे में पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ सरकार पर कटाक्ष किया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ जी ने कुछ दिन पहले कहा था मुंह चलाने और सरकार चलाने में फर्क होता है, उनकी बात अब समझ में आ रही है। एक मंत्री काम करने के लिए अधिकारी के पैर छू रहे हैं, राहुल भैया कह रहे हैं कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही, एक मंत्री सीएम से कह रहे हैं कि एसीएस सीएम की ही बात नहीं सुनते, एक सीनियर मंत्री कह रहे हैं कि कमलनाथ की किचन कैबिनेट में सिर्फ अधिकारी हैं। अगर सरकार नहीं चला पा रहे कमलनाथ तो किसी और कांग्रेसी को आगे आने दें। मुख्यमंत्री जी का मैंने कुछ दिन पहले एक बयान सुना था कि सरकार चलाने में और मुंह चलाने में फर्क होता है, अब समझ में आ रहा है। एक मंत्री को कल पैर छीना पड़े एक सब इंजीनियर के काम कराने के लिए, एक वन मंत्री शायद वो लिख के दे रहे हैं कि एसीएस मुख्यमंत्री की भी नहीं सुनते। मैंने पूर्व नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के बड़े नेता अजय सिंह की बाइट सुनी, बोले मेरी इस सरकार में बिल्कुल चल ही नहीं रही है। एक मंत्री कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की किचन कैबिनेट सरकार चला रही है। अब ये किचन कैबिनेट कौन सी है और कौन सी सरकार चल रही है? अगर नहीं चला पा रहे हुजूर तो किसी और को आने दो, कांग्रेस में और लोग भी हैं। बैरागढ़ के 3 EMI सेंटर में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसमें 177 आर्मी के जवानों को 39 सप्ताह के कठिन सैन्य प्रशिक्षण के बाद पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। आर्मी बैंड की धुन पर सभी प्रशिक्षुओं ने कदम ताल करते हुए परेड की सलामी दी। कड़े प्रशिक्षण के बाद ईएमई कोर के 177 कैडेट्स पास आउट हुए। पासिंग आउट परेड के अंतिम पद पार करने के बाद देश की सेना के लिए जवान मुख्य अंग बन गए। मेजर जनरल एसएस सुहाग ने निरीक्षक अफसर के तौर पर सलामी ली। इस दौरान बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को सम्मानित भी किया गया। पासिंग आउट परेड में सैन्य अधिकारियों और उनके परिवारों के साथ ही कैडेट्स के परिवार और गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। मेजर जनरल एसएस सुहाग, एडीजी
ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ईएमई कोर के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सेना में आधुनिक हथियार व नई तकनीकी के आने से कोर की उपयोगिता और भी बढ़ गई है। इसके साथ साथ उन्होंने पास आउट होने वाले रिक्रूट्स को शारीरिक रूप से मजबूत रहने और तकनीकी रूप से कुशल बनने की सलाह दी, ताकि बदलते हुए युद्ध क्षेत्र परिदृश्य का सामना किया जा सके। 3ME सेंटर की अटेस्टेशन परेड में मुझे शामिल होकर बहुत अच्छा लगा। जिस गर्व से और जिस हौसले से आज परेड हुई है, भारतीय सेना के लिए बहुत गर्व की बात है कि ईएमई सेंटर के रिक्रूट देश की सेवा में अब शामिल होंगे और अलग अलग जगह पोस्टिंग जाएंगे, अपना ट्रेड वर्क करेंगे और सेना की जो ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस है हथियारों की, टैंक्स की, हेलीकॉप्टर्स की, उसको बहुत ऊंचे दर्जे का रखेंगे। ये कोर ऑफ ईएमई के लिए बहुत गर्व की बात है। पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने स्मार्ट सिटी में रहवासियों और दुकानदारों की दुकानों को विस्थापित करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उमाशंकर गुप्ता ने कमलनाथ सरकार पर आरोप लगाया कि भाजपा की सारी जन कल्याणकारी योजना इस सरकार ने बंद कर दी है। स्मार्ट सिटी में सही विस्थापन की समस्या को लेकर पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने भोपाल के जवाहर चौक में स्मार्ट सिटी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। गुप्ता ने कमलनाथ सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि भाजपा ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर सरकार द्वारा रहवासियों को परेशान किया जा रहा है। गुप्ता ने दुकानदारों और रहवासियों को ठीक तरीके से विस्थापित करने की मांग की। उनका कहना है कि विस्थापित करने के बाद स्मार्ट सिटी का कार्य किया जाना चाहिए। उमाशंकर गुप्ता ने कमलनाथ सरकार पर भाजपा की सारी जन कल्याणकारी योजनाएं बंद करने का आरोप भी लगाया है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी वोटों की राजनीति नहीं की है। जनता की उन्नति, प्रदेश का विकास, शहर का विकास ध्यान में रखकर योजना बनाई। स्मार्ट सिटी को लेकर कांग्रेस के द्वारा जिस बर्बरता पूर्वक कार्रवाई इस समय की जा रही है, ये स्मार्ट सिटी का अंग नहीं है ना हमारी योजना की। कांग्रेस के साथी कई बार कह रहे हैं कि ये स्मार्ट सिटी भारतीय जनता पार्टी लाई। हाँ, मैं कह रहा हूँ स्मार्ट सिटी भारतीय जनता पार्टी लाई, 24 घंटे बिजली भारतीय जनता पार्टी लाई, मध्य प्रदेश में सड़कें भारतीय जनता पार्टी लाई, सिंचाई की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने की, गेहूँ उत्पादन में नंबर एक भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन स्मार्ट सिटी जो हमने स्वीकार की थी, आपने उसका पूरा स्वरूप अपने स्वार्थ के कारण बदल दिया। समय एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मैहर में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क और पुल निर्माण में उपयोग होने वाली सीमेंट गिट्टी की गुणवत्ता सही नहीं है, जिससे पहली ही बारिश में 4 माह पहले बनी सड़क और पुल धस गया। जब इसकी जानकारी जिम्मेदार अधिकारियों को दी गई तो उन्होंने बिना जांच के इसे सही बता दिया। मैहर में अमदारा से सगमनिया तक सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जो आसपास के कई गांवों को जोड़ेगी, लेकिन सड़क निर्माण में एजेंसी द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सड़क और पुल निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कई जगह तो हालात यह है कि 4 माह पहले बनी पुल पहली बारिश भी नहीं झेल सकी, जिसके बाद इसको फिर से लीपा पोती कर बनाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्री की गुणवत्ता सही नहीं है, निर्माण में जर्जर टूटे फूटे सीमेंटेड ढोलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, पुल निर्माण में मिट्टी युक्त रेत, रिजेक्टेड पत्थर की गिट्टी इस्तेमाल की जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्य मार्ग से मैहर के ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली यह रोड तकरीबन 40 किलोमीटर लंबी है, जिस पर हर 100 से 200 मीटर पर छोटे छोटे पुल का भी निर्माण किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इन सब के निर्माण कार्य का ठेका शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन को दिया गया है। जब इस घटिया निर्माण की जानकारी साइट इंजीनियर MK त्रिपाठी और PWD EE को दी गई, तो बिना निरीक्षण किए अधिकारियों ने निर्माण कार्य को सही बता दिया।
ग्रामीणों का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी के कारण ना तो भ्रष्टाचार रुक रहा है और ना ही घटिया निर्माण का शासकीय राशि को डकारने वाले भ्रष्ट ठेकेदारों पर लगाम लगाई जा रही है। अगर समय रहते इन सड़कों और पुल निर्माण की जांच नहीं की गई तो बड़ी घटना हो सकती है। इस सड़क में समस्या है कि ये पहाड़ के पत्थर तोड़ के इधर बिछाया जा रहा है, इसी का चूरा इसमें रेतक के उसमें पक्ष में डालते हैं, सीमेंट कम डालते हैं, गिट्टी नहीं लाते हैं, जो अच्छी गिट्टी है तो उसको नहीं डाला जाता है इधर आ रहे हैं है। लेकिन यहाँ के जो ठेकेदार साहब हैं वो ढोला डलवाए हैं, मिट्टी से डलवाए हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ की जो रेता है उसमें मिट्टी मिली हुई है। एक कलयुगी बेटे को अपने पिता का टोकना इतना बुरा लगा कि उसने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। हत्यारे बेटे ने आंगन में रखे फावड़े से पिता के सिर पर कई वार किए और फिर फरार हो गया। पुलिस ने कत्ल की गुत्थी सुलझा दी है और हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। टीकमगढ़ से सटे ग्राम पठा में उस समय दहशत फैल गई जब पठा ग्राम के पूर्व संघ सरपंच जयप्रकाश राय की हत्या की खबरें पूरे गांव में फैली। पूरा गांव सकते में था कि हत्या किसने की होगी। पुलिस ने मामले की जांच की तो सामने आया कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि जयप्रकाश राय का कलयुगी बेटा राजेश राय है। हत्यारा नशे का आदी है और कोई काम नहीं करता है। इन्हीं बातों को लेकर पिता पुत्र में विवाद हुआ जो कि बेटे को नागवारा गुजरा और हत्यारे बेटे राजेश के आंगन में रखे फावड़े से अपने पिता के सर पर कई वार कर दिए और जब मां ने फावड़ा छीनकर बीच बचाव किया तो पास में ही रखे दूसरे औजार से पिता की छाती पर कई वार किए जिससे पिता की मौके पर ही मौत हो गई और हत्यारा बेटा फरार हो गया। इस पूरी घटना की प्रत्यक्षदर्शी मृतक की पत्नी और हत्यारे की मां बसंती देवी है जिसने पुलिस को पूरी जानकारी दी और पुलिस हत्यारे तक पहुंच पाई। पुलिस ने हत्यारे को पठा ग्राम से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी राजेश उर्फ दीपू मानसिक रूप से कमजोर है और घटना को अंजाम देकर घर के पास स्थित एक हाई सेकेंडरी स्कूल में छुप गया था। मौके पर पुलिस पहुंची तब तक जयप्रकाश राय जो पहले खून से सनी हुई डेड बॉडी वहां पड़ी हुई थी और उनकी मृत्यु हो चुकी थी। जब तस्दीक की गई मौके पे तो वहां पता चला कि जयप्रकाश राय का जो पुत्र है दीपू राय थोड़ा जिसके मानसिक स्थिति ठीक नहीं है उससे जयप्रकाश राय जो मृतक है उनका वाद विवाद हो गया था। फिल्मी कहानी के बंटी बबली जैसे ठग क्राइम ब्रांच भोपाल के हत्थे चढ़ गए हैं जो रियल लाइफ में लोगों को नकली शादी के झांसे में फंसाकर कीमती गहने और नकदी पर हाथ साफ कर फरार हो जाते थे। इन पर ठगी की शिकायत भोपाल, राजस्थान, जबलपुर में दर्ज थी। ये ठग अखबार में शादी का विज्ञापन देकर ठगी का जाल बिछाते थे। अखबार में शादी का विज्ञापन देखते ही इन बंटी बबली का नया प्लान शुरू हो जाता था। ये बंटी बबली शिकार फंसाने से पहले ध्यान रखते थे कि शिकारी अकेला हो और उसके अकेलेपन का फायदा उठाकर ये अपने काम को अंजाम देते थे। पहले नकली शादी करते थे, फिर गहने ठगते थे और गंभीर बहाना बनाकर फरार हो जाते थे। लेकिन अब इनके इस नाटक से क्राइम ब्रांच भोपाल की टीम ने पर्दा उठा दिया है। शादी का नाटक कर कीमती गहने ठगने वाले दुल्हन और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक आदर्श कटियार और डीआईजी भोपाल इरशाद वली ने धोखाधड़ी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब आपको बता दें कि कैसे खुलासा हुआ इन रियल लाइफ के बंटी बबली का। दरअसल भोपाल के कोलार में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अकेलेपन को दूर करने के लिए फिर से घर बसाने की सोची और शादी का विज्ञापन अखबार में छपवा दिया। विज्ञापन अखबार में छपने के एक दो दिन में ही फरियादी व्यक्ति के पास शंकर दुबे नाम के आदमी का फोन आया। उसने कहा कि मैं पन्ना जिले के भीतरवार गांव से बोल रहा हूं। मैंने पेपर में आपका विज्ञापन देखा है। मेरे घर के पास ही एक गरीब महिला है, उसकी उम्र करीब 40 साल है, जो अविवाहित है। उसने ये भी कहा कि उसको बचपन में गाय ने पेट में सींग मार दिया था, इस कारण वो माँ नहीं बन सकती, इसीलिए उसने शादी नहीं की थी। फरियादी व्यक्ति शंकर दुबे की बातों में आ गया और शादी के लिए हाँ कर दी। हाँ सुनते ही ठग शंकर और नकली दुल्हन रानी मिश्रा उर्फ सुनीता शुक्ला फरियादी के घर पर आ गए और घर पर ही तुरंत शादी कर ली। शादी करने के बाद फरियादी ने अपनी नवविवाहिता को पूर्व पत्नी के सारे गहने पहना दिए। गहने मिलते ही ठगों ने वहां से निकलने का एक नया प्लान बनाना शुरू कर दिया और फरियादी को शंकर ने रानी की मां की तबीयत बहुत खराब होने की कहानी बताई
और फिर रानी को उसकी मां के घर ले जाने का कहकर रानी को गहने और नकदी लगभग 7500 रुपए के साथ लेकर फरार हो गया। अब इतने से मन नहीं भरा तो उसके अगले दिन रानी की मां की मृत्यु होने का बहाना करके अंतिम संस्कार और 13वें के लिए 40,000 की मांग कर डाली। मगर फरियादी को झटका तो तब लगा जब उनके पास कोटा राजस्थान से एक फोन आया और उस व्यक्ति ने बताया कि मेरे को शंकर दुबे के मोबाइल की CDR जो राजस्थान की पुलिस द्वारा निकाली गई है उससे आपका नंबर मिला है। उस व्यक्ति से जब फरियादी ने पूरी बात की तो पता चला कि उससे पहले राजस्थान में भी रानी मिश्रा की ऐसे ही शादी हो चुकी है। शादी का दावा करने वाले व्यक्ति ने व्हाट्सएप पर रानी के साथ अपना फोटो भेजा जिसे फरियादी ने देखकर पहचान लिया कि ये वही रानी है जिसने उसके साथ भी शादी की है। तब फरियादी को शक हुआ और ठगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस बंटी बबली यानी शंकर दुबे उर्फ रामपाल शुक्ला उम्र 71 वर्ष और रानी मिश्रा उर्फ सुनीता शुक्ला उम्र 42 वर्ष निवासी जिला सतना ने भोपाल के अलावा कोटा राजस्थान जबलपुर में रहने वाले अन्य व्यक्तियों के साथ भी शादी का नाटक करके ठगी की है। इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 51/20 धारा 420 का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। कमलनाथ सरकार की शराब नीति का असर अब स्कूलों में भी दिखने लगा है। ऐसा लग रहा है मानो प्रदेश में शराब नीति शिक्षा पर ज्यादा भारी पड़ रही है। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था किस स्तर तक पहुंच गई है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि स्कूल का प्रभारी प्रिंसिपल शराब पीकर नशे में स्कूल आता है। नशे में धुत यह प्रिंसिपल कभी अपने कदम तो कभी अपने कपड़े संभालता नजर आता है। यह मामला सिवनी के माध्यमिक शाला का है। मध्य प्रदेश में शिक्षा के बुरे हालात हैं, लेकिन अब कमलनाथ सरकार की शराब नीति का असर शिक्षकों पर भी देखने को मिल रहा है। सिवनी के आदिवासी बहुल क्षेत्र विकास खंड घनसौर की माध्यमिक शाला ईश्वरपुर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब उच्च माध्यमिक शाला में पदस्थ सहायक प्राचार्य भाग चंद्र विश्वकर्मा एक वैवाहिक कार्यक्रम से सीधे स्कूल आ गए। प्रभारी प्राचार्य नशे में धुत कभी अपने कपड़ों को संभालते नजर आए तो कभी अपने कदमों को। सिर पर गमछा बांधे ये सहायक प्राचार्य बच्चों को क्या शिक्षा देंगे ये तो वे ही बता पाएंगे। खैर आइए हम आपको सुनाते हैं नशे में धुत प्राचार्य की बात, जो कि इतने नशे में है कि सही ढंग से बोल भी नहीं पा रहा है। लेकिन रात में पिए थे आपने, है ना सर? अरे अब रात में तो पिए थे ना सर, वही तो है ना, वही तो लोग बात वही कहने लगे, अब खाना नहीं खाया हूँ ऐसे कहने लगे। हाँ पिए कह दिए क्यों सर? अरे ठीक है हम तो पीते थे। ग्रामीणों का कहना है प्रभारी प्राचार्य महोदय के शराब पीकर स्कूल आने की जानकारी सौ डायल में भी की गई लेकिन वहां से कोई नहीं आया। हालांकि ग्रामीणों ने बताया कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ लेकिन जब शिक्षा के मंदिर में खुद शिक्षक शराब पी कर आएंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जैसे ही इस बात की जानकारी पालकों को लगी तत्काल पालकों ने गंभीरता का परिचय देते हुए वरिष्ठ अधिकारियों की इसकी सूचना दी जिसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने पंचनामा बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। जनपद पंचायत घनसौर में पदस्थ सीईओ ने घटना को लेकर कार्रवाई की बात कही है। जो अपने प्रधान पाठक महोदय जी हैं उन्होंने शराब पीकर स्कूल में आए और दूसरी चीज स्कूल में आकर अब शिक्षक लोग ही अगर ऐसे वर्ताव करेंगे तो बच्चों का क्या असर पड़ेगा? बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने गौरक्षा को लेकर तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। चुनाव के समय कांग्रेस ने जो गौरक्षा को लेकर वचन दिया था वो याद दिलाया, साथ ही गौशाला बनवाने की मांग की है। छिंदवाड़ा के परासिया में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देकर मांग की है। बजरंग दल ने गौ माता की रक्षा और गौशाला की जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर मुख्यमंत्री से कार्रवाई की बात भी कही है। लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चुनाव से पहले वचन दिया था कि गौशाला में गौ माता की रक्षा की जाएगी और हर पंचायत में गौशाला खुलवाई जाएगी लेकिन लगता है कि सरकार अपने वचन भूल गई है, इसीलिए ज्ञापन के माध्यम से हम वचन याद दिलाना चाहते हैं। माननीय कमलनाथ मुख्यमंत्री जी को यह हम ज्ञापन सौंप रहे हैं, जो चुनाव के पूर्व अपने चुनाव के पत्रक में जो उन लोगों ने व्याख्या की थी कि हम ग्राम पंचायत के प्रत्येक क्षेत्र में गौशालाओं का निर्माण कराएंगे
और वहाँ गौ संवर्धन को लेकर, गौ की सुरक्षा को लेकर अनेक कार्य किएंगे, वो कार्य आज हो नहीं पाए। और हमारे परिषद की ओर से गौ का संवर्धन हो, गाय की सुरक्षा हो, आवारा हमारी जो गाय रोड पर घूमती है उनके लिए कोई सुरक्षा प्रदान नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। देख रहे हैं दखल न्यूज़।